पैर में चोट मेरे हाथ में नहीं लगना, बुखार आना मेरे हाथ में नहीं। जय तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आज के नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9 और जस्ट अभी अभी सोकर उठे हैं। तो आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी तक नहाए भी नहीं है सुबह से, क्योंकि लास्ट 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ रही है। कि एक अभी ज़रूरी काम है, पहले सिटी जाना है यहाँ से, तो पहले वहाँ एक काम निपटा के आना है, फिर वापसी में चंदन भैया के यहाँ जाना है, उनसे मिलना है जाके, क्योंकि उनकी हो गई तबीयत ख़राब इस टाइम, तो वापसी में उनसे मिलना है। बाकी छोटा मोटा भी बाइक में काम कराना है, तो वो करा के फिर सीधे चलते हैं। जल्दी से करते हैं बाइक स्टार्ट और चलते हैं। ठंड में सारा इंजन में सब ठंडा हो जाता, पहले तो एक दो मिनट बाइक को गर्म हो जाने दो, फिर चलते हैं। तो अभी ज़रा रुके हुए हैं क्योंकि चैन कवर से आ रही थी आवाज़, तो इसको सही करवाते हैं फिर चलते हैं। तो चैन कवर से जो आवाज़ आ रही थी वो दिखा दिया है, बाकी जो LED लाइट पसंद आई है ये दोनों, तो अभी ये लगवाएंगे बाइक में। तो ये लाइटें लग चुकी हैं बिल्कुल, एकदम बढ़िया फोकस आ रहा है, रात में पता चलेगा और भी अच्छा है इसका। तो वैसे आ चुके हैं गोलू भैया के यहाँ, ये गोलू भैया सोकर उठकर आ रहे हैं। सो नहीं रहे सकल, तो सो जाए 12 बजे हुए हैं, पैक यैकिंग हो गई नहीं हुई रहा, 17 तारीख है भाई। जस्ट अभी अंदर आए और ये सीधा कंबल ओढ़ के ही बैठ गए। कितनी ठंड लगती है गोलू जी बताओ पहले, इनका चल रहा है वो रेवड़ी खा रहा है जय बैठ के। अब लेटना कंबल में आराम से लेट जाओ सो, ये पीछे से ओढ़ लिया। ये भी अभी आए चंदन भैया जस्ट ऊपर से, और ये यहाँ भी आके कंबल में ही लेट गए। क्या हुआ चंदन भैया? कल से हमें बुखार आ रहा है, क्या करें, लेटना तो है ही है। आप करने को क्या लगे हो जी बता, भी पैर में चोट फिर बुखार। देखो पैर में चोट मेरे हाथ में नहीं लगना, बुखार आना मेरे हाथ में नहीं। चंदन भैया आज कितनी तारीख है? बुखार में लग रहा है कुछ ज्यादा ही चल गया है। नहीं सो रहे तो है ले, बहुत अब गलत से था। कितनी है बोलो यार, कितनी तारीख है? 17 कितनी तारीख है? चलो भैया शाम को 5 बजे निकलेंगे। आज पैकिंग वैकिंग की नहीं की अभी तक जे बताओ? तुम बस शहर जाने का चलना है शाम को स्टेशन। इनके आपको हालत नहीं लग रही कि कहीं ये जा पाए आज, इसलिए इनके चक्कर में ही आप सभी लोग देख लीजिए, इन्हीं के चक्कर में ट्रिप पूरी कैंसिल हुई हम लोगों की। देखो हमने कराई थी ट्रिप का प्लान पूरा, तो हमें कैंसिल मार दी। खुद पहले पैर में चोट लगी फिर ये काम करते ना, हमें छोड़ के चले जाते अपने घूमते आराम से। अरे इतना कोई जरूरी थोड़ी था जाना, आप चलेंगे फिर चलेंगे अगली ट्रिप में, हम चलते हैं फिर चलेंगे। खो तो जाओ नहीं वहाँ पे, आराम से टहलते घूमते बर्फ का मजा लेते। कोई बात नहीं, इधर ही अपनी वीडियो रेंडर हो रही है जो आज अपलोड होगी। बाकी इधर आंटी जी खड़ी हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा, हीटर लगा हुआ है इसीलिए। जो यहाँ पर चल रहा हम लोगों का नाश्ता शाम का, बोलो भैया एक क्रैक्स कर्ल्स के साथ चाय पी रहे हैं, इधर आंटी जी चाय पी रहे हैं, इधर चंदन भैया इक्षिता को दूध पिला रहे हैं। इक्षिता की इक्षिता कैसे करती हो जय? इक्षिता ने दूध पी लिया, अब इनकी सताने स्टार्ट, पेट भर गया, पेट फुल। इसी बाबा से जय कर दो, जय खूब बड़े हो जाओ, बड़े बाबा से जय कर दो। बड़े बाबा कहाँ हैं? हाँ बड़े पापा को है करेगी। इक्षिता कैसे जय करती है? क्यों इक्षिता जय कैसे करती हो? जय बड़े बाबा होते बड्डू मजा। जय 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 बच्चे जय। ये भी इक्षिता के लिए लेके आए थे चिप्स वगैरह थोड़ा, भाई कड़क ने हालत देखी क्या करी खाते खाते। अच्छा बोल रही, अच्छा क्या क्या कैसे खाया ये? ये को सब गंदा कर लिया इसने ये। अच्छा अच्छा बोलती है जय
आइए दे दो बोतल, ले दो हमें बोतल ले दो। इधर इक्षिता की शैतानी स्टार्ट हो गई है, सारी चीजें इसने फेंकना स्टार्ट कर दी। तो सारे काम हो गए चंदन भैया के, ऐसे हम निकलते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी लाइट का रात में कितना बढ़िया फोकस है। ये पूरा नाइट का फोकस है इस लाइट का, इसका फायदा ना, इससे रोड पूरी क्लियर दिखती है। तो चलते हैं फटाफट से घर। तो ये एलईडी लाइट लगवाई इसीलिए थी क्योंकि जब रात में फोकस का पूरा दिखेगा, क्योंकि ठंड में क्या होता है ना, सामने से अगर लाइट आ रही हो तो दिखना बंद हो जाता है बिल्कुल भी। तो ये एलईडी लाइट लगाई है, पूरा दिख रहा है आगे तक, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई, हाथ जम गए बाहर। अब सीधे हीटर खोला है, थोड़ी देर बैठते हैं हीटर में ही। अब तो गए चंदन भैया के यहाँ से आ गए थे और जस्ट आके इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, हीटर में ही बैठे और फिर कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। तो जस्ट अभी अभी उठे हैं और टाइम हो रहा है रात के 10, और अब डिनर वगैरह भी सब हो चुका है। तो फटाफट से बस आज का ब्लॉग एडिट करना है, फिर सीधे सोना है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आज का बस यही छोटा सा ब्लॉग था जो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि चंदन भैया की भी तबीयत ख़राब है और फिर ड्यू टू COVID-19 के केसेस के कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अपना ये प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। तो बाकी अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं नई ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये जो ट्रिप होने वाली थी ना, एक ये बहुत ही स्पेशल सीरीज होने वाली थी। हम लोग करीब 1 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, पर वही कहते हैं ना, जिसकी आप ज़्यादा प्लानिंग करो वहाँ आप जा ही नहीं पाते हो। पर जब जैसे ऊपर वाले को मंजूर, ताकि जैसा हुआ अच्छा ही हुआ होगा। तो बस हम लोग अब नेक्स्ट मंथ फिर से प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की। तो आप लोग से भाई यही है कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग अब कुछ दिन तक ऐसे ही डेली ब्लॉग्स घर के मिलेंगे देखने को। बाकी अगर कहीं हो सकेगा कि हम लोग आसपास जगह जा सकें तो वहाँ के हम लोग ज़रूर ब्लॉग देंगे। बाकी आप ऐसे ही चैनल पर बने रहें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको आने वाले ब्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।